आईपा चैनल ने जो देश की समस्याओं के लिए लोकल जो भी समस्याएं हैं, राजनैतिक परिवेश है और जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं और महिलाओं की समस्याएं, उनके लिए आवाज लगातार ये लोग उठा रहे हैं। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सबसे बड़ी तो किसानों की समस्या है कि जो अन्ना जानवर घूम रहे हैं उनकी व्यवस्था सरकार द्वारा की नहीं गई है। नमस्कार, मैं हूं मुमताज अहमद, आईपा यानी के ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन मंच से आपका प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील विचारों की, प्रगतिशील सोच की हम बात करते हैं। आज हमारे साथ सुशील मिश्रा जी हैं जो कि बार जिला बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं और हम आज इनसे रूबरू करते हैं और पूछते हैं कुछ कानून के बारे में, कुछ समस्याओं के बारे में, महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में और इस जनपद के बारे में, राजनीति के बारे में। सुशील जी, आपका आईपा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आईपा चैनल ने जो देश की समस्याओं के लिए, लोकल जो भी समस्याएं हैं, राजनैतिक परिवेश है और जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं और महिलाओं की समस्याएं, उनके लिए आवाज लगातार ये लोग उठा रहे हैं। इसके लिए बधाई के पात्र हैं और मेरी तरफ से उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इसी तरह से देश के और समाज के विकास के लिए जो भी समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उसके लिए मेरा एक बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी, एक लंबा समय हो गया आपको वकालत करते हुए, तो जो कानून व्यवस्थाएं हैं उस पे मैं चाहूंगा कि आप रोशनी डालें, कुछ अपने इस व्यवस्थाओं के बारे में अपने विचार रखें हमारे मंच के जरिए। देखिए, कानून व्यवस्था का ना सवाल है, ये तो प्रशासन का काम है कि वो कानून व्यवस्था को ज्यादा बेहतर ढंग से देख सके। ये निश्चित है कि अपराध अपने उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूंगा, अपराध कम नहीं हुए हैं, शासन किसी का विराम। अब रहा सवाल, हम लोग तो चूंकि अधिवक्ता हैं तो अधिवक्ताओं के में ये भी हम देखते हैं कि तमाम निर्दोष लोग भी उनको उनके खिलाफ मुकदमे आ जाते हैं और उनको भी हम लोग न्याय दिलाने का काम करते हैं। बहुत से अपराधी भी होते हैं जिनको अदालत के माध्यम से उनको सजा हो रही है और वो उस तक दंड उनको मिल रहा है। इसमें प्रशासन अगर चाहे और सख्ती के साथ लोगों के साथ में काम करें तो निश्चित रूप से अपराध कम हो सकते हैं। और हम लोगों की जिम्मेदारियों में, हमारी जिम्मेदारी तो ये है कि हम लोग कानून व्यवस्था का एक अंग है और जो हमारे पास है उसका हम लोग निराकरण करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों को भी सुविधा रहे, हम लोगों का काम है न्याय दिलाना, जो भी हमारे पास है उसको न्याय दिलाना। सुशील जी, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि कानून के बारे में नहीं जानते, ग्रामीण क्षेत्र के या जो शिक्षित नहीं है, तो क्या कभी ऐसे लोगों के लिए आपकी फोरम के द्वारा कोई प्रयास किए गए हैं जागरूकता के? देखिए, इसके लिए सरकारी स्तर पर भी प्रयास हो रहा है। हम लोगों के स्तर पर हम लोग तो व्यक्तिगत रूप से ये जरूर करते हैं कि जो गरीब निर्धन लोग हैं उनके लिए हम लोग निःशुल्क अपनी तरफ से, ये व्यक्तिगत हम लोगों का होता है कि नहीं उनके हम निःशुल्क उनकी हम न्यायिक मदद कर सके जो भी हमें करना है। लेकिन इसके स्तर पर विधिक सहायता के लिए बना हुआ है कि अगर किसी के पास से कोई सरकारी रूप से बना हुआ है अदालत के माध्यम से, तो वहां पर आए, अगर वो उसके पास कोई न्याय वो नहीं है तो वहां से उसको विधिक मदद मिलती है। उसमें अधिवक्ता कुछ नियुक्त रहते हैं और वो अधिवक्ता उनकी कानूनी मदद करते हैं। कभी आपके इस कार्यकाल में कभी कोई ऐसा मुकदमा आया जो कि बहुत जटिल हो या कुछ आप इस तरह का है कि कोई निर्दोष के लिए आपके द्वारा बहस की गई हो? देखिए, अब ये तो तमाम मामले हैं, मैं हम लोगों का काम है न्याय दिलाना और जानते हैं कि ये निर्दोष हैं। बहुत से लोगों को सजा भी हो जाती है, वो तो कानूनी आधार होता है, जो कागजी होते हैं, जो सबूत होते हैं, साक्ष्यों के आधार पर अदालत फैसला करती है। तो हमारा काम है कि हम उसकी पूरी मदद करें, अब बाकी काम अदालत का होता है। और बहुत से लोगों के निर्दोष लोगों को छूटते भी हैं, लेकिन कुछ लोगों को साक्ष्य के अगर उनके विरुद्ध मिलता है तो उनको सजा भी हो जाती है। इसका हम लोगों को अफसोस रहता है, लेकिन ये न्यायिक व्यवस्था है, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक सवाल और है सुशील साहब कि क्योंकि आप एक नागरिक भी हैं और इस जनपद के निवासी भी, शहरी क्षेत्र के बीच में आप रहते हैं, तो आपके जनपद में ऐसी कोई
जटिल समस्या आपके सामने आती हो जिसका निवारण अभी तक नहीं हो पाया आपकी नजरों के हिसाब से? देखिए, समस्याएं तो अभी लगातार हम लोगों के बीच में बनी ही हैं, और हर कोई भी जनप्रतिनिधि आता है, कोई भी सरकार आती है, तो वो वादे तो बहुत से करती है लेकिन उसका निराकरण नहीं कर पाती। हमारे शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है। बहुत सी स्थितियां, अब तो सड़कें काफ़ी हद तक दुरुस्त हो गई हैं, काफ़ी हद तक दुरुस्त हो गई हैं, गलियों की भी समस्याएं हैं, लेकिन जल भराव के हालात ये हैं कि सड़कें तो ऊंची कर दी जाती हैं और वो पानी भरता है, और बारिश में तो तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जिनमें तमाम वो कोई कौन से पंपिंग सेट लगाकर वो पानी निकालना पड़ता है और महीनों लोग परेशान रहते हैं। और यहाँ पर सीवर लाइन की योजना बहुत पहले से चल रहा था कि सीवर लाइन की योजना यहाँ पर आएगी, उसका उद्घाटन भी एक जगह का किया गया बांके बिहारी मंदिर के पीछे, लेकिन आज तक वो योजना अधर पे ही लटकी है और आज तक उसका उस पर कोई काम नहीं किया गया है, सिर्फ बातें होती हैं। अगर सीवर लाइन हमारे फतेहपुर शहर में आ जाए तो ये समस्या निश्चित रूप से खत्म हो सकती है, और इसके लिए सारे प्रतिनिधियों को इसका प्रयास करना चाहिए। और मैं तो मानता हूँ कि जनता को इसके लिए बहुत मजबूती के साथ अपनी आवाज उठानी चाहिए, जो कि शायद हम लोगों की कमी है कि हम लोग नेताओं पर विश्वास कर लेते हैं, उसके बाद समस्या वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। जिले की जहाँ बात है तो जिले में तमाम और समस्याएं पैदा हो गई हैं, जैसे आज के समय में सबसे बड़ी तो किसानों की समस्या खड़ी होती है कि जो अन्ना जानवर घूम रहे हैं उनकी व्यवस्था सरकार द्वारा की नहीं गई है। गौशालाएं खोली जरूर गई हैं लेकिन वहाँ पर उनके लिए चारे की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर तमाम गौवंश जो है वो अपने आप भूख से तड़प तड़प के मर जा रहा है, और जो अन्ना घूम रहे हैं वो किसानों को फसलों के में नुकसान करते हैं, और इस भयंकर सर्दी में भी किसान रात रात भर अपने खेतों में अपने फसलों की रखवाली करता घूम रहा है, उसके बावजूद अपने खेत नहीं बचा रहा, जो एकमात्र उनके पास ये रास्ता है, मतलब होता है जो उनकी जीविका जिससे चलती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका समस्या का समाधान भी सरकार को करना चाहिए। गौवंश ठीक है, गौवंश बचना चाहिए, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, और वो जो अन्ना घूम रहे हैं उनके लिए भी कोई ना कोई तरीका अपनाना चाहिए। बात राजनीति की जाए तो हर पार्टी अपने को लोकतांत्रिक कहती है, क्या वास्तव में लोकतांत्रिक है? ऐसा कुछ नहीं है, तमाम राजनीतिक दल, हमारा देश ही लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक आधार पर ही हमारा देश चलता है, लेकिन पार्टियां बोलती जरूर है लेकिन उनके पूरा उनको सत्ता चाहिए, और सत्ता उनको किसी भी तरह से मिलनी चाहिए, वो चाहे जात के आधार पर मिले या धर्म के आधार पर मिले, और वो पूरे देश की जनता को इसी नाम पर, धर्म और जात के नाम पर बांटकर सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। एक सवाल और है कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने फेसबुक में भी लिखा था, जनप्रतिनिधि वो होना चाहिए जो जनता की समस्याओं को समझे और उनका निराकरण करने का प्रयास करे, और काम ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। हम सिर्फ जनप्रतिनिधि अपने धर्म और जात के नाम पे चुन के अगर हम भेज देते हैं तो ये हमारी जनता की या आम जो जनता है, आम मतदाता है, ये उसकी ही कमी है। उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बीच से उस आदमी को चुने जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके, जो हमारे जन क्षेत्र में जहाँ जो भी समस्याएं हैं, सड़क की है, पानी की है, बिजली की, जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, कानून व्यवस्था की भी जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधि की होती है कि अगर वो सख्ती के साथ प्रशासन के साथ रहे कि नहीं कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए, लैंड ऑर्डर सही होना चाहिए, तो उसके लिए भी उसके उसी तरह के लोगों को चुनना चाहिए। लेकिन ये हम लोगों की खुद की कमी है, हम इसको बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम जब चुनाव आता है तो हम चुनाव के समय पर ये भूल जाते हैं कि हमें योग्य आदमी चाहिए और संघर्षशील चाहिए जो कि हमारी समस्याओं के लिए लड़ सके और उनका निराकरण करा सके। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि हम उस वक्त अपनी जाति देखते हैं, अपना धर्म देखते हैं, उसी आधार पर हम वोटिंग करते हैं और बाद में हम सोचते हैं कि नहीं, इसने हमारे लिए कुछ किया नहीं। तो हमारा सोच, हम योग्य आदमी को चुन के लाते ही कहाँ हैं? आज अपराधी या जिसके पास धन है या जिसके पास जो उसका आपराधिक बैकग्राउंड जिसका अच्छा है, उसी तरह के लोगों को हम चुनकर वहाँ पर भेज देते हैं और उनसे फिर हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा विकास करेंगे, तो संभव नहीं। युवाओं की भागीदारी राजनीति में कितना आप सार्थक समझते हैं? देखिए, युवा हमारे देश का भविष्य है। युवाओं को सबसे पहले अपने शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद अपने रोजगार पर, अपने जहाँ पर वो भी जो भी काम करे
जिसमें रोजगार में जहां हालांकि रोजगार की भी समस्या हमारे देश में पैदा है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी इस रूप में मैं देखता हूं कि सब अगर वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है और ईमानदारी के साथ कर रहा है तो वो देश की सेवा कर रहा है। राजनीति में आज का युवा बहुत ही जागरूक हो रहा, पिछले चुनाव में भी देखा गया उनकी एक भावना थी कि किसी दूसरे रूप में थी, लेकिन जो समस्याएं लोगों के सामने रोजगार की बढ़ गई या अन्य तमाम तरह की उनकी समस्याएं खड़ी हुई हैं, शैक्षिक शिक्षा में जो उसका व्यवसायीकरण हो गया है, आज आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा है, बहुत कम पैसे में हम लोगों की पूरी पढ़ाई हो गई और आज हम इस लायक हैं कि हम आपके बीच में बैठ के बात कर रहे हैं। तो इतना पैसा हर आदमी के पास नहीं है, तो ये व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए शिक्षा का, और ये चीज़ें आज का युवा समझने लगा है, तो वो आज का युवा बहुत सोच समझ कर वोट देने की स्थिति में है। और इस बार युवाओं का क्या असर दिखेगा ये आपका चुनाव में अपने आप समझ में आएगा कि अगर उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है तो वो जिसको बेहतर समझेगा उसको वोट देगा। जैसा अक्सर देखा गया है जब चुनाव आते हैं तो जाति धर्म के मुद्दे उठते हैं, विकास के उठते हैं, तो किसको आप अच्छा मानते हैं? विकास को अच्छा मानते हैं, जाति और धर्म के नाम पर, मैंने इसके पहले अभी भी बोला, खुद भी बोल दिया था मैंने कि जाति और धर्म पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये तमाम राजनीतिक दल इसी के लिए करते हैं। और राजनीतिक दल समस्या के अगर समाधान करने लगेंगे तो फिर उन्हें पूछेगा कोई नहीं, तो इसलिए वो विकास पर ज्यादा वही नहीं, मतलब उनका दिमाग विकास पर नहीं होता है, उनका दिमाग सिर्फ होता है कि नहीं हमें सत्ता में रहना है और उसके लिए हमें जात का इस्तेमाल करना पड़े, धर्म का इस्तेमाल करना पड़े, उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं, और इसीलिए विकास में हम लोग अभी पीछे हैं और हमें विकास ही चाहिए और जनता एक विकास ही चाहती है। उसकी जो भी मूलभूत समस्या है जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है, वो उसी की ही पूर्ति होनी चाहिए और जनता इसीलिए सरकार चुनती है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का और प्रदेश का कि सरकार किसी की भी हो, मैं किसी भी दल की बात नहीं करता हूँ, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं देता है और सिर्फ कभी किसी दूसरे के कर, ऐसा नहीं कि हमारे देश का विकास नहीं हुआ, प्रदेश का विकास नहीं हुआ, लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए था वो नहीं, और विकास ही मुद्दा है और मुख्य मुद्दा विकास ही होना चाहिए। ये थे हमारे साथ सुशील मिश्रा जी, एडवोकेट, जिन्होंने आईपा मंच के जरिए दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया। मुमताज अहमद, आईपा, फतेहपुर।